बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल अकाउंट प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सदर मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रजीम सालार साहब, दरअसल ये मेरा जोश नहीं था जो मुझको माइक तक लाया, ये मेरा होश था कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम से पहले बोलूँ, वो मुझसे पहले बोलूँ। यहाँ पर एक मुगालता हो रहा है, बोलने वाला जावेद अंसारी साहब को डॉक्टर जावेद कह दे रहा है, जावेद फारानी कह दे रहा है। उसका सबब यह है, हमारे डॉक्टर सईद फारानी साहब जो है उनके भाई का नाम इत्तेफाक से जावेद है। तो जहन मतलब ये खानवादा शहर माले गाँव पर इतना असरअंदाज है कि उनके जो भाई हैं खासतौर पर वो उनके नाम जबान जदा हैं, और यही सबब है। तो अगर आपको जावेद अंसारी साहब अगर आपको बुरा लग रहा हो तो बुरा ना माने, क्योंकि आप भी मालेगा। आइए, अगर फारानी सर से उनकी शौकी छीन ली जाए, फारानी सर से उनका खुलूस छीन लिया जाए, तो वो भी आराम से डॉक्टर रहेंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो उनको मुमताज करती हैं दूसरे डॉक्टर्स से। और ये जो शौकी है वो अदब के मुताले से आई है, और उन्होंने इतना मुताला किया है। मुश्ताक अहमद यूसफी साहब का तो खासतौर पर वो मुताला करते रहते हैं, अक्सर उनके हवाले से बात भी करते हैं। मैं उनको इस अवार्ड के मिलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक खास बात है कि सर आपके जो फर्जंद हैं डॉक्टर अवैस फारानी, वो भी कोई आम से बंदे नहीं है। आठवीं जमात में अवैस फारानी ने एक नावल लिखा था, डॉक्टर इकबाल बरकत सर इस बात के गवाह है। इंस्पेक्टर कुछ तो भी नाम उसका, हाँ इंस्पेक्टर आनंद कुमार, ये नावल उन्होंने लिखा था। और आज खुशी की बात है कि वो एम डी पास हो, बहुत अच्छे, उनको भी मुबारकबाद। मेरे इस मजमून का उनवान है फैज बांटने वाले जावेद अंसारी। किसी शख्स से पहली मुलाकात में अगर आप उसके होठों पर मुस्कुराहट देख लें, उसके लहजे से मुतासिर हो जाए और उससे दोबारा मुलाकात करना चाहें, तो यकीनन उस शख्स का नाम जावेद अंसारी भी हो सकता है। भी पर ध्यान दें, मुझे अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर इकबाल बरकत सर के तवस्सुस से जावेद अंसारी साहब से मेरी पहली मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के अहाते में हुई थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो पर रिकॉर्डिंग के लिए पहली मरतबा जलगांव आया था, इसलिए मेरे कच्चे पक्के जहन पर पहले ही एक सरकारी इमारत का खौफ जारी था। और फिर सोने पर सुहागा ये कि उसी सरकारी इमारत में ऑल इंडिया रेडियो के सरकारी अमले के फर्द से मेरी मुलाकात होने वाली थी। यकीन जाने कि मेरा गला खुश्क हो रहा था, अपने बदन की कपकपी पर काबू पाने में मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी, और सामने से एक अच्छी खासी सेहत रखने वाला बावकार चाल चलता हुआ एक आदमी हमारी तरफ आया। शर्टिंग किया हुआ लिबास उसके वकार में इजाफा कर रहा था। उसके सिया बालों में मेहंदी का सुनहरा रंग आँख उछौटे खेलता हुआ दाढ़ी के छोटे छोटे बालों में पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने आते ही सलाम किया और डॉक्टर इकबाल बरकत सर से हाथ मिलाने के बाद मुसाफा के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। भरे पूरे गोश्त वाली हथेली मेरे हाथ में मुकम्मल तौर पर समा नहीं सकी, लेकिन जब उस शख्स ने अपने हाथ का मखसूस दबाव मेरे हाथ पर डाला तो साफ तौर पर महसूस हुआ कि वो कहना चाह रहा हो कि मियाँ मरूब होने की कोई ज़रूरत नहीं, और डरने की तो कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जावेद अंसारी हूँ। जावेद अंसारी साहब ने उस पहली मुलाकात में कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की, हौसला दिया, और अफसाने की रिकॉर्डिंग के बाद अपने घर ले जाकर मेहमान नवाजी की और बाइज्जत तरीके से रुख्सत किया। उसके बाद साल डेढ़ साल के वक्फे से जावेद अंसारी साहब रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते रहे। एक खास बात यह है कि उन्होंने जब कभी भी मुझको फ़ोन किया हौसला ही दिया, और उन्होंने मुझे मुझसे किसी नए फनकार के नाम और काम के ताल्लुक से भी बातें की, ताकि वो उसे ऑल इंडिया रेडियो के तवस्सुस से आवाम के सामने पेश कर सकें।
बल्कि हैरतअंगेज बात यह है कि उनसे छोटी उम्र का होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुझसे तू तड़ाक से बात नहीं की। उन्होंने मोहतरम जनाब साहब और सर के साहब के लायक अपनी गुफ्तगू में लाहक रखी। जावेद अंसारी साहब ने कभी मुझे अफसाने और गजल की रिकॉर्डिंग के लिए जलगांव बुलाया तो कभी उन्होंने मुझे मुबसर और नाजिम के हिस्से से मधु किया, हत्या कि मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने मुझे जलगांव बुलाया। लेकिन हर मरतबा जलगांव आने पर जो खास बात हुई वो ये थी कि खाने का नज़्म उन्होंने ही किया, ख्वाह मैं अकेला रहा हूँ या चार छः लोगों के साथ। बल्कि एक मरतबा तो हम लोग रास्ते में ही रुककर खाना खाकर ऑल इंडिया रेडियो पहुँचे तो जावेद अंसारी साहब बाकायदा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अंदर कभी भी खाना खाकर यहाँ आने की कोशिश मत करना। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जावेद अंसारी साहब जो कि हमें रेडियो पर मौका दे रहे थे और वहाँ से कुछ रकम भी यकीनी तौर पर हमें मिलनी थी, इसलिए हमें उनको खाना खिलाना चाहिए था, उनकी जी हुजूरी करनी थी। मगर जावेद अंसारी साहब जी हुजूरी चापलूसी और मकवारी को सख्त नापसंद करने वाले निकले। यकीन जाने कि आज इस भरे मजमे में कहने दें कि जावेद अंसारी फैज पहुँचाने वाले शख्स का नाम है, सिला तलब करने और सताइश की तमन्ना करने वाले का नाम। यूँ तो जावेद अंसारी साहब मेरे अपने शहर मालेगांव से ऑल इंडिया रेडियो जलगांव की तरफ सर्विस के लिए आए थे। उन्हें चुपचाप अपने काम से काम रखना था, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना था। मगर खुदा के इस बंदे ने जलगांव में रहायश इख्तियार करने के बाद यहाँ के लोगों के दिलों में जगह बना ली। अगरचे वो हम मालेगांव वालों के लिए सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता फ़र्द ही रहे, लेकिन जलगांव में मौजूद अपने करीबी लोगों से मुझे मालूम हुआ कि जावेद अंसारी साहब ने यहाँ रहकर अपने खलूस, अदब, दोस्ती और इंसानियत नवाजी के सबब जो मकाम बना लिया है वो खानदेश में रह रहे किसी गैर खानदेशी इंसान की शायद वाहिद मिसाल है। बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी साहब ऑल इंडिया रेडियो के तवस्सुस से एक तरफ जहां अदबी काम करते रहे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म से तालीम और ताल्लुक का काम भी किया। मुख्तलिफ तालीमी और अदबी अदारों से उनकी वाबस्तगी इस बात की दलील है कि वो दुरुस्त मशवरे, रहनुमाई और अमली इकदाम के जरिए कौम की खिदमत करना भी जानते हैं। जलगांव में मुनाकिद किया जाने वाला DCC तारीखी मुशायरा जावेद अंसारी साहब के कारनामों की फहरिस्त में नुमाया तौर पर लिखे जाने के काबिल है। यह मुशायरा खानदेश वालों के लिए मिसाल बना हुआ है। इस मुशायरे के बाद जलगांव की सड़कों पर दौड़ते भागते ऑटो रिक्शा में उसी मुशायरे के कैसेट का बजना उस मुशायरे की मकबूलियत और कामयाबी की दलील है। उन्होंने इस मुशायरे को उमूमियत से हटकर खास अंदाज से मुनाकिद किया था, शायद इसीलिए उन्हें मुखालफतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब मुशायरा अपने तारीखी इख्तिताम को पहुंचा तो मुखालफिन को अपनी राह लेनी पड़ी। जावेद अंसारी साहब ने कुछ नेक काम ऐसे भी किए हैं कि अगर उनका तज़किरा मैं यहाँ कर दूँ तो वो शदीद नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं उन कामों के ताल्लुक से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह उन कामों को जावेद अंसारी साहब के लिए आखिरत का ज़खीरा बना। अब जब के जावेद अंसारी साहब ऑल इंडिया रेडियो के अपने अहदे से संतोष होकर शहर मालेगांव की तरफ वापस आ रहे हैं तो मुझे कहने दिया जाए कि हम जावेद अंसारी साहब की शक्ल में अपना जो कीमती हीरा खानदेश वालों को पास रह रखा था, शकील अजहर साहब हमने अपना जो कीमती हीरा खानदेश वालों के पास रहन रखा हुआ था उसे दोबारा मालेगांव के सरजमीन पर लिए चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि अपनी जड़ों की तरफ वापसी के बाद इस हीरे की चमक दमक और कदर मंजिला को मजीद इजाफा होगा। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।